अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी मुर्ग कोरमा मुकम्मल पककर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आपने भी मेरी इसी तरीके से घर में एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ क्वेश्चन सैफरीन। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल देसी हंड स्पेशल में। उम्मीद करता हूँ अब सब खैर से होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त देसी मुर्ग का कोरमा। तो कोरमा बनाने से पहले हम अपने फार्म से जाके देसी मुर्ग को पकड़ लेते हैं और उसको ज़बह कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देसी मुर्ग को पकड़ लिया है। अब इसको हम ज़िबा करके इसका गोश्त बना लेते हैं, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने मुर्ग को ज़िबा करके उसका गोश्त भी बना लिया है। उसका गोश्त तकरीबन 1.5 से 2 किलो निकला है। तो अब सबसे पहले हम घी शामिल करके उसमें प्याज को ब्राउन कर लेंगे। सबसे पहले हम 350 ml घी शामिल कर लेंगे, आधा किलो प्याज शामिल कर लेंगे, प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारे जो प्याज हैं वो हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम प्याज को निकालेंगे बाहर और इनका पेस्ट बना लेते हैं। प्याज निकालने के बाद अब हम सब्ज़ मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले तेज़पात शामिल कर लेंगे, 2 तकरीबन 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 3 अदद बड़ी इलायची और थोड़ी सी साबित काली मिर्च। इनको तकरीबन 1 मिनट फ्राई करेंगे। साबित मसाले शामिल करने के बाद अब हम चिकन शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। मुर्गा शामिल करने के बाद अब हम पानी शामिल कर लेते हैं। पानी हमने तकरीबन 3 पाव शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अब हम 1.5 खाने वाले चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अब हम देसी मुर्ग को तकरीबन पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम सुर्ख मिर्च का 1.5 खाने वाला चम्मच शामिल कर लेते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हसबे ज़रूरत नमक शामिल कर लेंगे। सुर्ख मिर्च और नमक शामिल करने के बाद अब हम देसी मुर्ग को पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। ये देखें जी, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम देसी मुर्ग की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। हमने देसी मुर्ग की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट को मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद अब हम देसी मुर्ग को तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद अब हम 3 बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटर शामिल करके अब हम देसी मुर्ग को तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। टमाटर शामिल करके देसी मुर्ग को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देसी मुर्ग में पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर, ताकि जो देसी मुर्ग है वो अच्छी तरह से गल जाए। हमने पानी शामिल कर लिया देसी मुर्ग में। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। देसी मुर्ग को पानी शामिल करके पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 खाने वाला चम्मच जीरा पाउडर का शामिल कर लेंगे। 1 खाने वाला चम्मच गर्म मसाले का पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने वाला चम्मच धनिया पाउडर का शामिल कर लेंगे और 1 खाने वाला चम्मच कोरमा मसाला का शामिल कर लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं मसालों को अच्छी तरह से।
और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मसाले शामिल करके हम देसी मोर कोरमे को तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम दही शामिल करेंगे। देसी मोर कोरमे को पकाते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम एक प्याली दही की शामिल कर लेंगे। दही शामिल करके हमने देसी मोर कोरमे को तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाया है, अब इसमें हम एक पानी प्याली की शामिल करेंगे। अब देसी बर कोरमे को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो कोरमा है वो मुकम्मल तैयार हो जाएगा। हमें देसी मुर्ग कोरमे को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा जो देसी मुर्ग कोरमा है वो पककर मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम सब धनिया शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा सब धनिया शामिल करेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च शामिल कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये हमारा देसी मुर्ग का कोरमा जो है पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है और माशाल्लाह इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देसी मुर्ग का कोरमा बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आपने मेरे इसी तरीके से घर में एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अभी तक मेरे जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये देखें माशाल्लाह, अपने शेफ सैफरी को दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।